यस स्टूडेंट्स, बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर का नंबर थ्योरी का ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री का। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देखो, आपने मैक्सिमम सिलेबस कर लिया है, जिसमें ये चेक करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट होता है या क्वेश्चन पेपर नहीं होता। जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है 5-7 आप जरूर करें। जैसे इसमें आपको पता ही है 5 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और जो 4 सेक्शन है उनमें से 1-1 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास कंपलसरी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, जैसे 40 मार्क्स का है, ठीक है, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का होगा, सेकंड भी, थर्ड भी, इस तरह से आगे डिवाइड होगा। ये जैसे हमारे पास इसमें हाफ हाफ मार्क्स के हमारे पास 3 हो जाएगा हमारे पास 3 × 5 = 3 = 8, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट जो कंपलसरी है। क्योंकि जो फर्स्ट के हमारे पास प्रूव दैट एवरी 2 consecutive integers आर कॉपर हैं, ये आप सभी को करवा रखा है, ठीक है। तो ये आपने कल के दिखाना है, ठीक है, करना ये सॉल्व। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। इफ़ एन इज ए पावर ऑफ 2 है तो प्रूव दैट सिग्मा ऑफ एन इज ओड, ये भी हम मतलब ये हम करेंगे, ये 5th चैप्टर का पार्ट है, ये हम करेंगे। इसमें लास्ट जो सिग्मा फंक्शन है उसका रहता है। प्रूव दैट ए की पावर एन कॉन्ग्रुएंट टू ए, मॉडुलो ए इनवर्स, ये भी करके दिखाओ बेटे, ये तुमने किया होगा ये कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। आगे ये नंबर थ्योरी का आ जाता है, ये मैडम करवा रही हैं। आगे जो इसका फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में देखो, ये क्लास में किया हुआ हमने, सेकंड चैप्टर में ही था कॉन्ग्रुएंसी में, शो या फर्स्ट चैप्टर में था सॉरी, शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n + 3, ठीक है। अगर पहले इसको करके देखो, ये किया हुआ हमने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ये भी किया हमने, शो दैट एन की पावर 7 - n इज डिविजिबल बाय 42, इसको बाय इंडक्शन मेथड से भी प्रूव कर सकते हो। बाकी इसको ये हमने किया हुआ है, देखना तुम इसको खुद सॉल्व करना, ठीक है, फिर बाद में देखना। इसमें फाइंड द लिस्ट आगे थर्ड, इसमें फाइंड द लिस्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन और विल्सन थ्योरम से, ये विल्सन थ्योरम का बताया था तुम्हें मैंने, n - 1 factorial अगर p प्राइम है, ठीक है, अगर p प्राइम हमारे पास पहुंच गया तो p - 1 factorial + 1 इस कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, 0 modulo m हो जाएगा, ठीक है, अगर p यहाँ पे प्राइम है। तो ये हमने की हुई है विल्सन थ्योरम से डेफिनेशन जो हमारे पास, उसमें से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई एक करना जो अच्छी तरह से आपको आता है वही अटैम्प्ट करना। आगे है 4th क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द इंटीजर्स गिवन द रिमाइंडर, फाइंड ऑल द इंटीजर्स दैट गिव्स द रिमाइंडर 1, 2, 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5। ये भी क्वेश्चन ट्राई करो बेटे, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, करके देखो। इसमें फाइंड ऑल द इंटीजर्स, वो सभी इंटीजर्स निकालने, गिव्स द रिमाइंडर 1, 2, 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5। आगे शो दैट, ये भी हमने किया हुआ इसमें 2, 4, 6, ये तो एग्जाम्पल ही है कि 2m हमारे पास कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बनेगा मॉडुलो m इफ m इज ओड, ठीक है। आगे 5th चैप्टर का थोड़ा सा ये पोर्शन आया होगा, 5th क्वेश्चन, ये इनमें से जो आपको अच्छी तरह से आया, जैसे 4th अच्छी तरह से तुमने करवाया हुआ तो ये अटेम्प्ट करना। ये जो लास्ट का थोड़ा बहुत पोर्शन रहता है उसमें से क्वेश्चन है, ये भी करवाएंगे आगे वीडियो के माध्यम से ही। आगे ये नंबर थ्योरी के हैं, ये मैडम करवाते हैं तुम्हें, ये देख लो। इसमें ये 6th क्वेश्चन है, ये 7th है, ये 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 8 मार्क्स के हैं। तो इसको ध्यान से देखो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा।